तो मैं हो गया हूँ पूरा रेडी और निकलने के लिए 0, लेकिन निकलने का प्लान था 7 बजे, अब हो रहा है 9 बज गया है। बैठिए बैठिए, बैठ गए हैं गाड़ी, हम आगे बैठेंगे। निकल आगे बैठ गया है, अब बैठ गए, देखते हैं अभी कैसे चलते हैं, कब पहुंचते हैं। नया मिला, और ये हो गया है 9:40 और हम लोग आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। भी नहीं चला, हमारे पास केस भी नहीं था, जैसे मैनेज करके 240 रुपीज़ निकाला हमने। उसके बाद अभी खा रहे हैं आलू पराठा, आलू पराठा तो नहीं चले, पूरी खा रहे हैं। और ये फाइनली आ गया है हमारा डिलीशियस खाना, जैसे मैनेज करके मंगाया। कैसा लग रहा है खाना, कैसा लग रहा है खाना? और हमने अपना स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब बज गया है 10, अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना है, जाएंगे अभी सीधा 0, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। लिटरली ईटानगर बहुत गर्म है, बहुत गर्म, अब तो मतलब अभी एसी लगा के चल रहे हैं गाड़ी में, तो मतलब इतना गर्म है, अब देखते हैं 0 कैसा होता है। तो ये हम ईटानगर तो नाहरलगुन वाले रोड पे है, रोड बहुत ही खराब है, मतलब एक्चुअली ये रोड में बंद जा रहा है, तो इसलिए रोड का मेंटेनेंस चल रहा है। दिखाता हूँ आपको, रोड दिखाता हूँ, ये लगभग 12 बज गए हैं और हम लोग मिड वे पहुँच चुके हैं, 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे ठंडी शुरू होने लग गई है, ठंडा शुरू होने लग गया है, काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि खोलता हूँ तो अच्छी आवाज़ है, ठंडी ठंडी, कम से कम ईटानगर से बहुत बेटर है जगह। लेकिन यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह नहीं है, रास्ते पे एक आई आगे पुतिन जहाँ पे बहुत दुकान वगैरह मिलेंगे हमें, वहाँ पे गंगा नदी डैम है, वो देखेंगे हम लोग। और ये हम लोग पहुंच गए हैं पुतिन, अभी हम लोग बस चाय ब्रेक लिया है थोड़ी देर के लिए, चाय पी के आते हैं। और ये था अपना रंगना डिटेन, ये जाली क्या दोस्तों, पीछे हमारा। और चाय ब्रेक हुआ खत्म, अभी हम निकल रहे हैं पुतिन से, अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। खाना भी पक गया है, अब मेरा मन सुहाना सफर शुरू होगा। बस 0 पहुंचने वाले ही है, पहुंचे नहीं, जस्ट पहुंचने वाले हैं, और लेकिन ठंडा अभी तक आया नहीं।
ये फाइनली हम जीरो पहुंच चुके हैं, जीरो पहुंच चुके हैं। अभी देखना है कहाँ जाते हैं। नहीं नहीं सब स्टेशन नहीं देखना है। पहले हमने डेस्टिनेशन जो चॉइस किया है वो जाएंगे सिबलिंग। यहाँ का सिबलिंग बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है, लोग बहुत देखने आते हैं। तो अभी पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बस थोड़ा रास्ता यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है इसलिए रुक गए हैं। अब ये नंदू गया है पूछने के लिए। अरे कहाँ गया नंदू? पीछे है नंदू। यो लोकेशन ये है शिव मंदिर। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमें यहाँ जाना है जो कि है 3.1 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगेगा। अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं 3 किलोमीटर जैसा वक्त। और यहाँ पे एक सडन चेंज ऑफ प्लान हुआ है क्योंकि रास्ता हम लोग ऑलरेडी 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं सिबलिंग से। तो हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं लेक, एक लेक है आगे 6 किलोमीटर आगे। तो हम लोग पहले वहाँ जाके आते हैं। मंदिर तो रात को भी जा सकते हैं पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। जीरो का मार्केट कैसे दिख रहा हूँ? ये ऑल जीरो मार्केट है। अगली बार दिखाया हमने। अभी तक तो सुहाना सफर रहा है, मतलब किसी बॉस से कॉल आया ना काम से कॉल आया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सामने नेटवर्क की कमी है इसकी, मतलब उस वजह से बहुत खुश है। खिड़की नवाई है ना, ये हम पहुंच गए हैं सिखी लेक। एंटरिंग सिखी लेक। फाइनली पहुंच गए हैं सेरी लेक। वहाँ है अपना सेरी लेक। अफगानिस्तानी ये कैब के द्वारा आ गए हैं, कैब के द्वारा आ गए हैं। और ये पेडलिंग चल रहा है। सबको ठंड लग रहा है लेकिन मुझे अभी तक ठंड नहीं लगा। पता नहीं, ये बहुत हॉटेस्ट पोर्शन है अरुणाचल का, हॉटेस्ट पोर्शन। और यहाँ पे लाइफ जैकेट मैंडेटरी है, तो आप लोग भी आए तो लाइफ जैकेट पहन के ही करना। बोटिंग ये कम से कम 4 मीटर गहरा है तो और ये लात क्यों मार रहे हैं?
say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. तो ये बीच में आके पानी का बहाव है उस तरफ, पानी का बहाव है उस तरफ, हम लोग मार रहे हैं इस तरफ, आ ही नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे रुक गया है। ये अचानक और नीरज का कमाल, देखते हैं कैसे हम इनको किनारे पे ले जा सकते हैं। चलिए जोर लगाइए, हाउस द जोश। हाय सर, वेरी प्राउड ऑफ नीरज अच्छा, पूरा बोटिंग अकेला कर दिया पूरी तरह से, मतलब ये पायलट और को पायलट, मतलब ये बस ड्राइवर और ये कंडक्टर, और बोटिंग हुआ खत्म, अभी जाएंगे करने लंच। ये हम लोग चलते चलते खासा रेस्टोरेंट पार करके अभी ओक्ट्री रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। फोटो वोटो खींचना है, लेकिन लगा है बहुत भूख, तो पहले हम लोग पेट पूजा कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं बाकी फोटो वगैरह का। पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। पूरा बम्बू से बना हुआ है। चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट। यही है क्या खासा रेस्टोरेंट? पहुँच गए हैं खासा रेस्टोरेंट। बस अभी वेट कर रहे हैं, मेमू आ जाए उसके बाद डिसाइड करने क्या करना है। खेत में तो छोटा घर स्पेशल रुके। और यहाँ पे एक स्पेशल डिश मिला है, क्या है अक्षांश? ये है हमन क्वन क्वन, हमन क्वन। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो बहुत अच्छा सीन हुआ मतलब वहाँ पे। ये हमारे न्यू दिल्ली में एक फ्रेंड रहते थे अलासा, उसको वो मतलब यहाँ का यहाँ पे रहने वाला है, तो उनको उसके पास गए, उनको मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया हमें। चिकन पकाया, रोस्टेड चिकन खिलाया, लौके लाफुन खिलाया, जो फोटोज़ मैं दूँगा बाद में दिखाऊँगा, लौके लाफुन खिलाया उसके बाद, और ये पीके पीला खिलाया के सामने बैठ के। वो माहौल काफी अच्छा था, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। रुक गए हैं हम खरीदने के लिए फ्रेश, 80 रुपए, और ये नंदू लगा हुआ है अपने काम, हो जाएगा 200 रुपए। ये हो गया है और इतना जो हो चुका है खत्म, सोने के कदार पे है अच्छा, जैसे मोबाइल के सहारे जगह हुए हैं, और मैं एंटरटेन कर देंगे सबको। चलिए अब जाके मिलते हैं, और ये फाइनली हम लोग अपने रूम पहुँच गए हैं, अब फ्रेश होकर मस्त रूम सोना है, काफ़ी बीच में जाना है। चलिए, सफ़र काफ़ी अच्छा है।